बाकी सब भूल गई हो। आगे ने बोल नहीं मेरी ए आंखें नहीं खुल रही है मेरी खाने के लिए। ऑल लाइटें खोल दो। तोबा तोबा, इतनी नींद खराब कर गई इस आदमी ने। मेरी आंख खुल गई, उसके बाद आंख ही नहीं लगी। हो गई है यार, जागते हो तो खा लेती ना, तो मैं खा ही लेती। आप क्या सोते हो तो उठा के मेरी उस वक्त तो मेरी ऐसी अच्छी आँख लगी थी कि बस उसके बाद जो आँख खुली है ला माफ करो। तो बहुत हो नौ बज रहे हैं, भला बताओ अभी। मैं कोई 8 बजे से जा रहा हूँ। माशाल्लाह भाई, आप सही है। 8 बजे अब आपने ही उठाया मुझे। मैंने तो नहीं उठाया, उठाया था। हाथ सीधा करा था, मुड़ रहा था आपका। हाथ सीधा कराया, उसके बाद जो मेरी आँख खुल गई, उसके बाद क्या मैं जाने जो नींद नहीं है। आपका हाथ मुड़ रहा था। लेट आओ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। तो जी, यहाँ जैसा कि आपने देखा है, सुबह सुबह मेरे मियाँ जी ने मुझे उठा दिया। मैं 7 बजे सोई और इन्होंने मुझे 9 बजे वापस उठा दिया, क्योंकि उनको नींद ही नहीं आ रही थी। हलवा पूरी लेकर आ गए, तो बस मैंने नींद में यहाँ नाश्ता तो कर लिया। सारे दिन की रूटीन आपसे शेयर करूँगी। आजकल हम पापे बड़े शौक से खाने लगे हैं। आप खाएंगे ना? Yeah. अभी तो आप मना कर रहे थे मैं खाली चाय पीऊंगा। आपको पापा खाते हुए देख के मेरा बिल्कुल दिल चाह गया पापा खाने का। वैसे इत्तेफाक है, हम पूरा पैकेट खा गए भाई। हैरत की बात है, मुझे हैरत। हाँ, ऐसा लगता था हम खाएंगे नहीं जैसे ना। हाँ, मुझे ऐसे ही लगता था जाया होगा। हाँ, ये जाया होगा, पर हम खा गए हैं। मुझे लगा था कि हम जाया करेंगे। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आपको आज ख्याल आया मेरा व्लॉग देखने का? Yes. देखो ऐसे होते हैं लोग, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। आज देख रहे हैं बीवी का व्लॉग बैठ के। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ऐसे ऐसे सुस्त सब्सक्राइबर है मेरे। आपसे अच्छे तो फिर और सब्सक्राइबर है जो फौरन से व्लॉग देख के फौरन से कॉमेंट तो कर देते। भाई आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, फटाफट से बढ़ाइए फैमिली को। ओके, आई एम सॉरी, मैं 2 दिन बाद लेट देख रहा हूँ। ये 2 दिन नहीं, इससे भी, ये मैंने जो भी व्लॉग डाला है उससे भी पिछला है, 4 दिन पुराना है। 2-3 दिन ना। हाँ। चाले का व्लॉग है ना, और अब तो बड़ी दुल्हन का भी चाला आने वाला है। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह उसका आएगा ज़रूर, बड़ी दुल्हन का भी चाला आने वाला है। Hours late. हाँ जी, तो हम जा रहे हैं यहाँ पे बंस रोड। क्या खाने? चाट खाने। खाना वाना खाने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं चाट खाने। ये आ गया बंस रोड का बोर्ड और हम हो चुके बंस रोड के अंदर इंटर। अब देखते हैं मेरे मियाँ जी कहाँ ले जाके बाइक रोकते हैं। माशाल्लाह यहाँ की रौनक तो बंस रोड, तो फिर बंस रोड है ना भाई। रश चेक करें आप बंस रोड का। फिर वहीद आ गया। नहीं 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 नहीं, ये तो आ गया दही बड़े वाला, तो इसी के आगे चाट वाला भी होना चाहिए।
चाट वाला कहाँ होगा, यहाँ तो दही बड़े वाला तो आ गया। तो जी यहाँ जैसा कि आपने देखा हम पहुँचे हुए थे यहाँ बंस रोड, और आज मैंने खानी थी चाट, अच्छी वाली जो चाट होती है ना, दही बड़े छोलों वाली, वो वाली चाट। तो यहाँ पे हम ढूंढते भी रहे थे, हमें यहाँ पे चाट वाला मिल ही नहीं रहा था। खाने वाले तो बहुत थे क्योंकि हम बंस रोड आते ही नहीं हैं, बहुत कम कभी ऐसा होता है कि आ गए हम। मैंने खाना तो यहाँ पे आज तक नहीं खाया अपनी शादी के बाद से, क्योंकि मैं आती ही नहीं हूँ यहाँ पे। ज़्यादा हम सदर चले जाते हैं, नेहारी वगैरह खाने चले जाते हैं, तो हम चाट वाले को यहाँ ढूंढ ढूंढ के हम थक चुके हैं। तो जी बहुत लोगों से पूछा चाट वाला कहाँ है। तो फाइनली हमें पता मिल गया था चाट वाला, हालांकि हम यहाँ से दो बार गुजरे पर हमें नज़र ही नहीं आया। तो यहाँ पर आ गए थे हम चाट खाने, और उसके बाद ये जो बड़ा वाला गोलगप्पा है ना, ये मैंने काफ़ी वीडियो में देखा था, काफ़ी लोगों ने खाया था, तो मेरा भी दिल हुआ इसको खाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, पर इतने मज़े का था ना, इतने मज़े का। फिर मुझे चाट अच्छी नहीं लगी, वरना मेरा पूरा मूड था सिर्फ चाट खाने का, क्योंकि खाना तो घर में ही खाना था, मैं सिर्फ चाट के चक्कर में गई थी। पर जब मैंने ये बड़ा वाला गोलगप्पा खाया ना, पता नहीं इसका नाम क्या बता रहे थे, वो मैं इसका नाम ही भूल गई। खैर बहुत बहुत मज़े का था, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, पर भाई बहुत मज़े का है। मैंने कितने बार देखा था पर खा आज रहे। अच्छा जी, तो यहाँ हो गया था दूसरा दिन, और ये था जुम्मे का दिन, और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो जी यहाँ जो है मैं पढ़ रही थी नमाज जुम्मे की, तो बस जी और मियाँ जी भी गए हुए हैं, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे नमाज। जुम्मे का दिन है, आप सबको भी मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, जैसे कि मैंने कह दिया। और मेरा व्लॉग आज लाजमी आएगा, आज अगर नेट लग गई तो आज ही आ जाएगा, वरना मैं कल तो पक्का कंफर्म डालूंगी। वैसे तो इन्होंने नेट की बात करी हुई है, अब देखो नेट वाला कब आता है बात करने लगाने के लिए। तो जैसे ही नेट वाला आएगा वैसे ही हमारा नेट ऑन हो जाएगा, और मैं फिर व्लॉग अपलोड कर दूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे व्लॉग की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो चलें जी, सारे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे आप। अच्छा जी, तो यहाँ आ गए थे चावल, और ये तो सबके फेवरेट होते हैं, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मुंह में आ रहा होगा पानी इसको देख के, छोलों का पुलाव देख के, मेरे तो ये फेवरेट है। खैर तो बस जी, मेरे मियाँ जी लेकर आ गए थे मेरे लिए छोलों का पुलाव, और हम खाते हैं यहाँ पे खाना, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करती, डायरेक्ट खाना खाती हूँ। तो इस वजह से फिर मैं खाना ऐसा भरपूर खाती हूँ कि मेरा सारा दिन गुजर जाए, क्योंकि फिर मैं डायरेक्ट शाम की चाय पीती हूँ, चाय के साथ एक आध बिस्किट खा लिया तो खा लिया कभी, वरना तो कभी कभी हम चाय के साथ बिस्किट भी नहीं खाते, खाली चाय पी लेते। तो इस वजह से बस दो टाइम का खाना खाते हैं, एक दोपहर का और एक रात का, मतलब नाश्ता और खाना एक साथ होता है, और फिर डायरेक्ट रात का खाना होता है हमारा, वो भी 11:30-11 बजे। तो इस वजह से फिर मैं दोपहर का खाना भरपूर खाती हूँ। पापे वगैरह जिस दिन खा लो ना, उस दिन भूख लगने लगती, जैसे हमने उस दिन पापे खाए थे, तो फिर हमने शाम को दोबारा पापे खाए थे चाय के साथ, फिर हमने मेरे ख्याल में, तो ये पता नहीं समोसे खाए थे, बहरहाल याद नहीं है। तो बस जी यहाँ पे हम खा रहे हैं छोलों का पुलाव, और आज है जुम्मा, और जुम्मे के दिन किस किस ने क्या क्या पकाया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जी इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म, और हमारे घर में लग चुकी है नेट। मुबारक सबको मेरी तरफ से मुबारक। तो नेट वाला आ गया था, अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे मियाँ ने जाके पीछा लिया तो फिर जाके नेट वाला आया था, और अल्लाह तेरा शुक्र है नेट लग गई हमारे घर में, तो मेरी ज़िंदगी सुकून की हो गई। नेट ना होता ऐसा लगता है ज़िंदगी खाली खाली हो गई, मोबाइल भी खाली खाली हो गया। तो जी यहाँ पर आ गया था हमारे रात का खाना, और आज मैंने बनाया था पुलाव मटर का। अरे आज तो राइस डे हो गया, दोपहर में भी चावल खाए और रात में भी चावल, तो जी आज बन गया हमारा राइस डे। तो यहाँ पे मैंने बनाया था आलू मटर और चिकन डाल के पुलाव, और उसके साथ यहाँ पे अंडे बॉईल करके डाले थे, क्योंकि मेरे मियाँ जी के फेवरेट हैं और मेरे मियाँ जी की पसंद के हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे अंडे बॉईल करके ऊपर से चाहिए। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लो 2 मिनट में करके देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना मज़ेदार से, और ये जो हरी मिर्च है ना, ये तो सिर्फ सजावट के लिए होती है, ना ये खाते हैं ना मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रायता बना लिया था, चावल थे, और ये जो थी साथ में सैलेड थी, बस यही हमारा खाना था। मैंने खाया था लहसुन की चटनी के साथ, और मियाँ जी ने खाया था केचप के साथ, पता नहीं इनको केचप इतना क्यों अच्छा लगता है, अल्लाह जाने।
कि इनको केचप इतना अच्छा क्यों लगता है। अब देखते हैं ये खाते हैं तो फिर बताते हैं कि ये कैसा बना है। मैंने तो अपने हिसाब से बहुत बहुत अच्छा करके बनाया था। पिछली बार मैंने जो बनाया था वो भी शायद फ्राइडे को ही बनाया था मेरे ख्याल में, मुझे ठीक से याद नहीं है। अम्मी आई हुई थी जब, हाँ जब बनाया था मैंने पिछली बार जो थे कबाब थे तो उसके साथ बनाया था, आज अंडों के साथ बनाया, दोनों दिन अलग अलग फ्लेवर। अच्छा भाई रिव्यू तो मैंने लिया ही नहीं। हाँ भाई, और ये देखें आप मेरे मियाँ जी खा रहे हैं केचप से। आपको केचप से वैसे क्या अच्छा लगता है? ये सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको, आपके साथ अकेले नहीं पूरी दुआ करा करो, अल्लाह खुश रखे मेरे साथ। हाँ ये बोला करो, कभी भी आधी दुआ नहीं तो नहीं 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 आपको खुश रहने का हक ही नहीं है। नहीं मैंने बोला ना साथ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे मुझे आपके साथ, बस चलो आमीन। आप नहीं तो कौन बे, और मैं नहीं तो कौन बे। अच्छा लग रहा है नहीं? उस दिन कबाबों के साथ भी अच्छा लगा था, आज अंडों के साथ भी अच्छा लगा। दो बार मैंने मटर पुलाव बना लिया आपके से जल्दी जल्दी। वैसे मेरे हाल में जब भी शायद जुम्मे को बनाया था, शायद याद नहीं आ रहा मुझे, अम्मी आई नहीं थी ना, पता नहीं जुम्मे को बनाया था, कब बनाया था याद नहीं आ रहा मुझे। तो चलो जी बहुत मज़े से मेरे मियाँ जी शुक्र है कि खुश होकर खा रहे हैं, उनको भूख भी लग रही थी बहुत तेज। अच्छा जी तो यहाँ जैसा कि आपको पता ही आ गई है कॉफ़ी, और हमारा व्लॉग होता है यहीं पर ही ख़त्म। कॉफ़ी के साथ हमारा व्लॉग का अख्तिताम हो जाता है। तो मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को मेरे मियाँ जी को सबको दुआओं में याद रखिएगा। तो जी अब हम नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं कब डालते हैं। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह आएगा चाले का, वो भी बड़ी दुल्हन के चाले का, क्योंकि बड़ी दुल्हन का भी चाला आने वाला है जैसे कि छोटी दुल्हन का हमारी हुआ था। तो अब नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा सा इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी मैं कि बना सकूँ वीडियो। असल में जो है ना बहुत कम वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि सबका फेस का फिर मसला होता है ना, इस वजह से मैं छोटे छोटे क्लिप ले लेती हूँ वीडियो के, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो भी दिन आएगा कि सब खुद वीडियो बनाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी।